2017 में हॉलीवुड और चीन ने बॉक्स ऑफिस धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए मिलकर काम करना शुरू किया। मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने 2017 में चीन के बॉक्स ऑफिस डेटा का ऑडिट करने के लिए एक अकाउंटिंग फर्म को काम पर रखा। पहली बार देश ने लॉबिंग समूह को अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का निरीक्षण करने की अनुमति दी। चीन के फिल्म उद्योग में धोखाधड़ी काफी समय से चल रही थी, लेकिन 2017 में देश ने उन कंपनियों पर नकेल कसना शुरू किया जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। VOA न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार 2016 के नवंबर में चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने बॉक्स ऑफिस बिक्री की गलत रिपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए नए जुर्माने की स्थापना की, जो लगभग $7,000 से लेकर $74,000 तक था। 2015 में चीनी फिल्म मॉन्स्टर हंट के निर्माताओं ने अपनी संख्या बढ़ाने और मुख्य भूमि चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खिताब के लिए यूनिवर्सल पिक्चर्स के फ्यूरियस 7 को पछाड़ने के लिए फिल्म देखने वालों को 40 मिलियन मुफ्त टिकट देने की बात स्वीकार की। हालांकि एक नया रिकॉर्ड बनाने में मदद के लिए मुफ्त टिकट बांटने को एक्चुअली धोखाधड़ी नहीं कह सकते, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये दर्शकों को मैनिपुलेट करने का एक तरीका जरूर है। 2016 में मार्शल आर्ट फिल्म आईपी मैन 3 के वितरक ने गोस्ट स्क्रीनिंग के माध्यम से अपनी टिकटों की बिक्री लगभग $4.7 मिलियन बढ़ा दी। उच्च टिकट कीमतों के साथ शो बिक गए जो एक्चुअली में कभी हुए ही नहीं थे, और बाकी $8.3 मिलियन की वृद्धि हुई। VOA न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार थोक में टिकट खरीदे गए थे। चाइनीज रेगुलेटर्स को तुरंत संदेह हुआ कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने पहले 3 दिनों में $72 मिलियन की बिक्री की सूचना दी थी। किसी चीनी फिल्म की बढ़ी हुई संख्या हॉलीवुड इंडस्ट्री पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती थी, क्योंकि फिल्म देखने वालों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई बताकर दर्शकों को फिल्में देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उसी वर्ष चाइना के राज्य प्रशासन ने 300 से अधिक थिएटर्स को जुर्माना जारी किया जिन्होंने अपने बिक्री डेटा को कम रिपोर्ट किया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने आंकड़ों को 1 मिलियन युआन से अधिक लगभग $1,46,000 के बराबर या कम बताया, उन्हें 90 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स में कम या ज़्यादा घपला तो होता ही है। अब अगर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ भी फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चर्चा में है। स्पेशली ब्रह्मास्त्र फिल्म के बाद आम दर्शक भी फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में दिलचस्पी लेने लगे हैं और यूं ही किसी ट्रेड एनालिस्ट की बात को सच नहीं मान लेते। असल फैक्ट तो ये है कि फिल्म कितनी कमाई कर रही है इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बट स्टिल जो एक्सपर्ट ट्रेड एनालिस्ट हैं वो अपने सोर्सेस के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं कि फिल्म ने कुल कितनी कमाई की। बट सवाल तब खड़ा होता है जब फेक आंकड़े बताकर पब्लिक को फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया जाने लगता है। सवाल उठता है कितना फेक। 2-4-10 करोड़ की हेरफेर हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब 500 करोड़ 1,000 करोड़ की बात होने लगती है तो फिर उसकी हकीकत जानने में लोग इंटरेस्ट लेने लगते हैं। शुरुआत में बताए गए चाइनीज इंसिडेंट से ये क्लियर है कि बॉक्स ऑफिस में घपला होता है, कुछ का कुछ कलेक्शन दिखाया जाता है। इस बात पर इसलिए भी विश्वास किया जा सकता है क्योंकि खुद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इस पर कभी न कभी जाने अनजाने बात की है। 2022 में ब्रह्मास्त्र फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर जब ट्रेड एनालिस्ट ने इस फिल्म को पहले दिन ही हिट करार दे दिया तो कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा था कि 650 करोड़ के बजट वाली फिल्म पहले ही दिन कैसे हिट हो गई, ये गणित मुझे समझना है। उन्होंने लिखा कि फिल्म शुक्रवार को रिलीज होती है और संडे को बड़ी हिट डिक्लेयर कर दी जाती है, वो भी बड़ी प्रॉफिट के साथ। चलो ये तो कंगना रनौत थी, लेकिन करण जौहर से भी जब एक बार पूछा गया कि सेलेब्स जो ट्वीट करके रिव्यू देते हैं वो क्या होता है, तो करण जौहर का जवाब था, वी आर लायर्स, वी आर ऑल बिग fat liars. Celebs always tweet reviews. No, we are all liars. We are all big fat liars. गदर 2 के निर्देशक अनिल शर्मा ने भी पूजा तलवार को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि आज के समय में ये बहुत दुखद है कि कई बार फिल्में हिट नहीं होती और हम झूठे नंबर्स डाल देते हैं, टिकट्स खुद बाय कर लेते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। कई बार फिल्म हिट नहीं होती और हम क्या करते हैं कि झूठे नंबर्स डाल देते हैं, टिकटें बाई कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं टू मेक आवर ब्रांड। ऑडियंस चीटेड फील करती है, उससे बहुत नुकसान होता है। दूसरी फिल्म जब आती है तो पब्लिक जाती नहीं, बोले यार ये सब झूठे लोग हैं, फेक लोग हैं। इसी प्रकार से राजा मौली ने ABN से बात करते हुए कहा था कि उनकी खुद की फिल्म सिंभत्री और मगाधीरा को जबरदस्ती 10-15 दिन एक्सटेंड कर रहे थे ताकि उसे थिएटर में 175 दिन लगे हुए दिखा सके, इसलिए मैंने मूवी के 100वें दिन के फंक्शन में जाने से इनकार कर दिया था। इसी तरह से सिंगर कुमार शानू फेक कलेक्शन पर बात कर चुके हैं। इवन कोमल नहाटा ने तो करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के कलेक्शन पर ऑब्जेक्शन किया था। उन्होंने कहा था कि फिल्मी इतिहास में आज तक किसी फिल्म ने रिलीज के 5वें, 6वें और 7वें दिन
6 करोड़ का बिजनेस नहीं किया है जिस फिल्म ने पहले दिन 10 करोड़ की कमाई की हो। वैसे तो ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था, बट ये एक तरह का इशारा भी था। अभिरामी रामनाथन जो एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने विजय की मर्सल शुरुआत के कलेक्शन के बाद संदिग्ध आंकड़ों को उजागर किया था और इस तमिल फिल्म के कलेक्शन को फेक बताया। इवन एक्ट्रेस काजोल ने भी पठान फिल्म के कलेक्शन को लेकर टिप्पणी की थी। How much did पठान really make? अब हाल ही में कल की फिल्म के कलेक्शन को लेकर बहुत सी बातें कही जा रही है। मेकर्स ने 5 दिन में 515 करोड़ से अधिक की कमाई का आंकड़ा पोस्टर पर लगाकर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कल की फिल्म को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया तो है और नो डाउट फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और बजट भी तगड़ा है। ऐसे में ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है कि कलेक्शंस फेक है या नहीं। हालांकि एज एन ऑडियंस हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट यस एक जिज्ञासा जरूर रहती है कि फिल्म ने कितनी कमाई की। और आजकल लोगों को थिएटर तक आंकड़े ही खींच कर लाते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स इस नंबर गेम की अहमियत को समझने लगे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन, मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए